सारे चैप्टर पढ़ लिए, बस मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, और प्रॉफिट एंड लॉस से 5 क्वेश्चन आ गए आपके चैप्टर में। ऐसा इसलिए कर रहा है कि आप सारे टॉपिक पढ़ो, बड़ी डिटेल में पढ़ो सारे टॉपिक, सारी रीजनिंग आती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आता, 4 क्वेश्चन आ गए, सारी रीजनिंग आती है, सिलोजम छोड़ दिया, 6 क्वेश्चन आ गए। देखो ऐसा एग्जामिन, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो आपको कुछ चीजों को स्पेशल ध्यान रखना होगा, आपको कुछ चीजें ऐसी करनी होंगी जिससे कि आप बाकी बच्चों से अलग हट के काम कर सको, क्योंकि अगर आपने हट के काम नहीं किया तो आप उसी भीड़ में चल रहे हो जिस भीड़ में सब चल रहे हैं। ठीक है, हट करके क्या करना होगा, आपको हर सब्जेक्ट पे एक तो पकड़ बनानी होगी, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करोगे, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इग्नोर कर दिया तो बस वही मात दे देगा। साथ में हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे पकड़ बनानी होगी, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जैसे आपने रीजनिंग में आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन छोड़ दिया कि यार सारी रीजनिंग आती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आता, 4 क्वेश्चन आ गए, सारी रीजनिंग आती है, सिलोजम छोड़ दिया, 6 क्वेश्चन आ गए। ऐसा एग्जामिनर आजकल कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी वजह है, इसकी वजह यही है कि आप इस तरीके से तैयारी करते हो कि यार सारे चैप्टर पढ़ लिए, बस ज्योमेट्री नहीं आता, और ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चन आ गए, सारे चैप्टर पढ़ लिए, बस मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, और प्रॉफिट एंड लॉस से 5 क्वेश्चन आ गए आपके चैप्टर में। ऐसा इसलिए कर रहा है कि आप सारे टॉपिक पढ़ो, बड़ी डिटेल में पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ लिए, ताकि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ो ना, ये लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी का, इस पैटर्न को समझो, अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझे तो आप बाकी बच्चों से पीछे ही रहोगे, क्योंकि जो बच्चे इस बात को समझ जाएंगे वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आप गए। ये लेटेस्ट पैटर्न है 2022-23 का, इस बात पे स्पेशल ध्यान रखना, अलग से काम करना।